मध्य प्रदेश सरकार के लगातार कर्ज लेने पर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में लगी है, जिस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। उन्होंने झूठ बोलकर अपनी सरकार बनाई थी जो 15 महीने में ही चली गई और इन 15 महीनों में कांग्रेस ने एक भी विकास की ईंट नहीं लगाई। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार झूठ बोलकर बनाई थी, उन्होंने अपने 15 महीनों में कुछ नहीं किया, जिसका परिणाम यह रहा कि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस विचार करके बताया कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान कितना कर्जा लिया था और उससे कितना विकास के काम हुए। उन्होंने कहा, कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है, हर सरकार कर्जा लेती है, एक नियम और प्रक्रिया से कर्जा लिया जाता है और उसे चुकाया भी जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार अच्छी चल रही है। कर्जा लिया है तो सड़कें बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बना रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। कांग्रेस विचलित हो रही है। 15 माह की सरकार रही, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं के समूह माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, कुछ नहीं किया। उसका परिणाम उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को ठोकर मार करके, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 15 माह में एक ईंट विकास की कहीं नहीं लगाई, और वो खुद ही विचार करके वो आपको जवाब दे दे कि उनने 15 माह में कितना कर्जा लिया था, उस कर्जा लेकर के क्या विकास के काम किए, जरा जनता के सामने बता दे। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, हर सरकार कर्जा लेती है, सभी राज्य सरकारें कर्जा लेती है, और कर्जा नियम प्रक्रिया से लिया जाता है। एक सीमा होती है कर्जा लेने की, उस सीमा के अंतर्गत, उस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत कर्जा लिया जाता है और कर्जा चुकाया भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में सरकार अच्छी चल रही है। कर्जा लिया है तो सड़कें बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, स्टाफ डैम बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देवड़ा ने कहा कि कांग्रेसी 2 दिन रहे या 10 दिन रहे, पार्टी तो वही कांग्रेस पार्टी ही रहेगी जिसने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि वो 10 दिन रुके या 15 दिन। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है और पूरे देश की जनता भी जानती है। लोगों का कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ गया है। जनता को पता है कि जब जब भाजपा की सरकार बनी है, चाहे वो राज्य में हो या देश में हो, तब तब विकास के कार्य हुए हैं, इसलिए जनता का भाजपा पर अटूट विश्वास है। कांग्रेस ये तो बताए कि घी किन्ने पिया, उनने कभी उनके कार्यकाल में या पहले भी बताओ, एक बार विचार करे। पूरे मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, तब तब विकास के काम हुए, डेवलपमेंट हुए। कांग्रेस के जमाने में कोई काम नहीं हुए, ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो चाहे जितनी यात्राएं करे, लेकिन कांग्रेस को लोग जानते हैं, कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है, कांग्रेस पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।